आपके साथ। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सिविल सर्जन के सामने अपनी मांगे रखी। इस मौके पर इस संघ से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने सीएस को संलेख पत्र सौंपा। शहर के सदर अस्पताल में संघ ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य कमेटी के निर्णय अनुसार सिविल सर्जन के समक्ष धरना प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर एक संलेख पत्र सौंपा गया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि मांगों से संबंधित संदेशों को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजा जाए, इससे समय रहते विभाग इस पर आवश्यक कार्रवाई कर पाए। राज्य कमेटी द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर सिविल सर्जन के सामने 25 मई से लेकर 31 मई तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संघ ने यह चेतावनी भी दी है कि यह जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वह लोग आंदोलन जारी रखेंगे। यह कार्रवाई की जा रही है, लोकायुक्त के द्वारा सरकार के एक पत्र आई है जिसमें समों को तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग का स्थानांतरण करना है सिविल सर्जन को। उसमें हमारा विरोध है कि आप स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन मेरा जितना भी डिमांड है, मेरा जितना भी बकाया राशि है उसको उसकी पूर्ति करें, प्रोन्नति दें, उसके बाद आप स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरा करें। 20-20 वर्ष से अधिक चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनका भी स्थानांतरण करें। और चतुर्थ वर्ग का नियम है, गजट में प्रावधान है कि आप उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और तृतीय वर्ग में गजट में प्रावधान है कि जितना स्ट्रेंथ बल है उसमें 10% ही आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं स्थानांतरण कर सकते हैं। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं और इसी के लिए मांग पत्र देने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम 25 से 31 तक चलेगा। मांग पत्र आप किसे सौंपने जा रहे हैं? सिविल सर्जन महोदय को देने जा रहे हैं और वो प्रधान सचिव को भेजेंगे। आपकी जो बैठक हो रही है, धरना जो हो रहा है, इसमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल हैं? सभी प्रखंड के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें जो है वो कौन सा वर्ग है? चिकित्सक वर्ग में से? नो, तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ कर्मचारी संगठन के जितने भी हमारे सदस्य हैं तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के हैं। आगे क्या रणनीति, अगर सिविल सर्जन अगर ये डिमांड नहीं मांगी जाएगी तो 25 से 31 तक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, उसके बावजूद अगर नहीं मानी जाएगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।